हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका धन कहीं पे फंसा हुआ है, आपने किसी को अपना धन उधार दिया हुआ है और उसके डूबने की संभावना है, वो धन निकल कर नहीं आ रहा है, या जिस व्यक्ति को आपने धन दिया था वो आपको वापस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार अपने धन को वापस पा सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम लोगों की मदद करने के लिए उनकी दुकान, मकान या फिर प्लॉट आदि खरीदने में मदद कर देते हैं, उन्हें कुछ पैसा उधार दे देते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे रोजगार चाहिए तो हम उसे कुछ पैसे उधार दे देते हैं कि जब आपकी नौकरी लग जाए तो आप हमारा पैसा वापस कर देना, लेकिन ये पैसा कभी वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों, आपका ये दिया हुआ धन आपको वापस नहीं मिल रहा है, या फिर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, आपको लगता है कि जो धन आपने दिया था वो पूरी तरह से डूब चुका है, तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने धन को वापस पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं ये उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने फंसे हुए धन को वापस पा सकते हैं। अगर आपका धन कहीं पर फंस गया है और कोई उसे वापस नहीं कर रहा, तो आपको रोज़ाना एक उपाय करना है। आपको रोज़ सुबह नहाने के बाद एक तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें लाल मिर्च के 11 बीज डालकर सूर्य देव को जल अर्पण करके उनसे अपने पैसे के वापसी के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा आप नियमित रूप से करें, ऐसा करने से शीघ्र ही आपका फंसा हुआ धन आप तक पहुँच जाएगा। आपका धन कहीं ऐसी जगह फंसा हुआ है जहां से आपको लगता है कि वो व्यक्ति धन देने में असमर्थ है, वो नहीं दे पाएगा, उसके बस का नहीं है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप एक काम कीजिए, दो राजा की कौड़ी जो आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएंगी, आप उन्हें ले लीजिए। उन कौड़ियों को उस व्यक्ति के घर के सामने डाल दें जिसके पास आपका धन फंसा हुआ है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का मन बदल जाएगा, वह जल्दी ही आपका धन वापस लौटा देगा। आप धन को वापस पाने के लिए एक उपाय और कर सकते हैं। बुधवार के दिन संध्या काल में आपको मीठे तेल की 5 पूड़ियाँ बनानी हैं। इसके बाद उसमें से सबसे ऊपर वाली पूड़ी पर रोली से एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। उसके ऊपर सरसों का तेल डालकर गेहूं के आटे का एक दिया रख देना है। इसके पश्चात दिया जलाकर भी उस पर रोली से तिलक करें और पीले अथवा लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इस दौरान लगातार भगवान श्री गणेश से उस व्यक्ति से अपना धन वापस दिलाने की प्रार्थना करनी है जिसको आपने धन दिया था। फिर बाएं हाथ में काली सरसों और काली उड़द के कुछ दाने लेकर 21 बार निम्र मंत्र का जाप करते हुए उसे पूरी तथा दिए के साथ छोड़ते जाएं। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन वापस आ जाएगा। अगर आपका धन किसी ऐसे व्यक्ति के पास फंसा हुआ है जिसका आपको पता ही नहीं मालूम है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी की प्रतिमा या चिन्ह के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फिर उसमें सरसों के कुछ दाने, 2 लौंग, 1 कपूर का टुकड़ा डालकर 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें और बजरंग बली जी से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका धन आपको शीघ्र अतिशीघ्र वापस दे जाए। इसके पश्चात इसी जलते हुए दीपक से उसके बाद उसी काजल से आप एक नए पतले मुलायम कपड़े पर या फिर किसी वृक्ष की लकड़ी पर कलम से उस काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखें। ऐसा करने से आपका फंसा हुआ धन वापस आ जाएगा। तो ये थे उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने फंसे हुए धन को वापस पा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर लें ताकि वो भी अपना फंसा हुआ धन वापस पा सकें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक चम्मच पर 1-2 बूंद तेल लगाकर उसे लौ पर रखकर काजल बना लें।